नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के हाथों अरुणाचल के 6 एमएलए खोकर। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमारी मीटिंग अभी बाकी है। लोहिया पचक्र में 49 रास्ते ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बोले एक साल के भीतर पूरा हो जाएगा काम। बीपीएससी पीटी अभ्यर्थियों के लिए 4 इंटरसिटी और 3 मेमू ट्रेनें चलाएगा रेलवे। मुख्य स्टेशनों पर स्पेशल रात्रि भी रहेगी सुविधा। बिहार सरकार का आदेश, 48 जूनियर डॉक्टरों की वेतन में होगी कटौती और कानूनी कार्रवाई। आखिर में देश देकर असर कर रही चीनी कोरोना वैक्सीन, ब्राजील में 50 तो तुर्की में 91% कारगर। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छपरा में लेडीज कांस्टेबल को महिलाओं ने पीटा, शराब जब्त करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं का हमला, घंटों चला बवाल, आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। कुत्ते पर हक जताने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे एक दावेदार ने दूसरे को मारी गोली, हालत गंभीर। जमीन फ्लैटों की खरीद बिक्री पर भी कोरोना का असर, बिहार सरकार को 1,000 करोड़ का नुकसान। पटना के रीजन फन सिनेमाज में फौजी भाइयों को फिल्म देखने के लिए नहीं देना होगा पैसा। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के साथ में से 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने से राज्य में सियासी ट्विस्ट आ गया है। राज्य विधानसभा की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार विधायक करदो निग्योर, तालीम तबो, हिलिन मंगफी, जिके ताको, दोजी वांगदी खरमा, डोंगरू सियंगजू और कांगोंग टाकू भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो लोग चले गए हैं लेकिन हमारी बैठक अभी बाकी है। मतलब नीतीश कुमार 1-2 दिनों में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया पचक्र का निरीक्षण करने के लिए पटना के बेली रोड पहुंचे। ललित भवन के पास उन्होंने कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आईआईटी दिल्ली का यह प्रोजेक्ट उन्हें काफी पसंद आया था। लोहिया पचक्र में 49 रास्ते रखे गए हैं, इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। बीपीएससी पीटी के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने 7 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इनमें 4 इंटरसिटी और 3 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि बीपीएससी ने रेलवे को यह नहीं बताया है कि किस शहर से कितने परीक्षार्थी कहां जाएंगे, इससे रेलवे को ट्रेनें तय करने में दिक्कत हो रही है। मुख्य स्टेशनों पर रेलवे ने स्पेशल रैक का इंतजाम भी किया है ताकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का मन भी बना लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि हड़ताली जूनियर डॉक्टरों की वेतन में कटौती की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य के 1,000 जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुधवार से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छपरा में शराब जब्त करने गई लेडीज कांस्टेबल को महिलाओं ने इतना धूना कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। कांस्टेबल के सिर में काफी चोट आई है, जबकि इस घटना में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना उत्तरी दहियावा टोला की है। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में घंटों बवाल चला और पत्थरबाजी भी हुई। कुत्ते के लिए इंसानों में खून खराबा हो गया। विवाद बढ़ने पर एक दावेदार ने दूसरे को गोली मार दी। जख्मी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना औरंगाबाद के दाऊद नगर की है। दरअसल कुत्ता 1 है और दावेदार 3। हक जताने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचा एक दावेदार दूसरे से उलझ पड़ा। बेटा के रेफरल अस्पताल में एक महिला ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। 23 दिसंबर को कटेसर गांव की अमिता देवी का यहां प्रसव कराया गया। महिला का आरोप है कि उसने बच्चे को जन्म दिया था जबकि उसे बच्ची दी गई। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि अगर शक है तो बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाकर सच्चाई को सामने लाई जा सकती है। पटना हाईकोर्ट में केसों पर सुनवाई के लिए फिजिकल कोर्ट शुरू करने की दिशा में हाईकोर्ट प्रशासन ने अभी तारीख तय नहीं की है। हालांकि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों की समन्वय समिति ने फिजिकल कोर्ट 4 जनवरी से शुरू करने की मांग की है। बिहार में कोरोना का व्यापक असर जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री पर भी पड़ा है। कोरोना के कारण अप्रैल से दिसंबर तक गत वर्ष के 9 माह की तुलना में इस साल करीब 3.25 लाख कम फ्लैट जमीन का निबंधन हुआ। इससे सरकार को लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यदि आप फौजी हैं और फिल्मों के शौकीन हैं तो पटना में मुफ्त में फिल्म देख सकते हैं, वह भी बड़े थिएटर में। यह थिएटर है पटना का रीजन फन सिनेमाज। आप फौज में हैं तो सिर्फ अपना आई कार्ड काउंटर पर दिखाइए, आपको टिकट मुफ्त में दिया जाएगा। इस प्रावधान को थिएटर ने अपने नियम में जोड़ लिया है। 1 जनवरी 2021 से यह नियम इस सिनेमा हॉल के साथ जुड़ जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सात राज्यों के किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानून, खेती के तरीके, उनके फायदे नुकसान, कंपनियों से एग्रीमेंट जैसे कई मुद्दों पर बात की। किसानों से पूछा कि कंपनियां उनसे चीजें लेती हैं या जमीन भी ले जाती हैं। जवाब में किसान बोले कि जमीन की तो कोई चर्चा ही नहीं करता, एग्रीमेंट से हमें फायदा हो रहा है। वहीं पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक अजिंक्य रहाणे टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को डेब्यू का मौका मिल सकता है। गिल को ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ की जगह टीम में लाया गया है, जबकि मोहम्मद सिराज चोटिल मोहम्मद शमी का स्थान ले रहे हैं। मुंबई से सटे नवी मुंबई के वाशी इलाके में चलती लोकल में बलात्कार का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार सुबह की है, जब 24 वर्षीय महिला के साथ चलती लोकल में दुष्कर्म किया गया। महिला गंभीर अवस्था में वाशी की रेलवे ट्रैक पर बेहोशी की हालत में मिली थी। इस मामले में वाशी जीआरपी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की छानबीन शुरू की है। अफ्रीकी देश उगांडा का 7 साल का कैप्टन दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया है। कैप्टन ने 3 बार सेसना यात्री विमान को उड़ाकर तहलका मचा दिया है। कैप्टन का असली नाम ग्राहम शेमा है और अमेरिका के चर्चित उद्योगपति एलन मस्क उनके रोल मॉडल हैं। विमान के बारे में अद्भुत जानकारी और उड़ाने की कला के कारण ग्राहम को लोग प्यार से कैप्टन बुलाते हैं। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का दुनिया के अलग अलग देशों में असर में भारी अंतर देखा जा रहा है। चीन की सिनोवैक कंपनी के कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक का ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया है। इन दोनों देशों के आधिकारिक डेटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राजील में 50% तो तुर्की में 91.25% कारगर है। ऐसे में चीन की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार टिप्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिप्स। नमस्कार।